अभी इधर घर पहुंचे हैं, नहाए हैं, अब जबार की तरफ जा रहा हूँ। अरसलान लेके आ रहा है खाना, पता नहीं क्या बनाया, खाना खाना है और सो जाना है क्योंकि कल सारी रात मैं नहीं सोया। गुटे हैं यहाँ पर, बादल बने हुए हैं, हो सकता है बारिश आ जाए, तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये सारा रोड आगे से कच्चा, अगर तो बारिश होगी तो कल सुबह तक हम लोग यहीं पे फंसे रहेंगे। तो निकलते हैं। ये ठंडी जो है ये बारिश की वजह से। लोगों ने जाना था उधर लेकिन अब नहीं जा रहे हैं बारिश की वजह से, हवा चल रही है काफ़ी और तकरीबन यहाँ से है 45 मिनट्स की राइड, तो मेरे ख्याल से शाम शायद आज रात दोबारा हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नहर पे जो पाँव नहीं गया। लो जी बारिश ख़त्म हो गई है, टाइम पे ही 5:30 हो रहे हैं अभी, लेकिन मैंने बोल दिया कि फ़ोन करके मैं नहीं आ रहा, मुझे क्या पता था जल्दी बारिश ख़त्म हो जाएगी, हवा तेज़ थी जिस वजह से बादल चले गए और बारिश ख़त्म हो गई है। तो फ़िलहाल आज की रात हम लोग फिर से इसी जगह पर हैं और कल सुबह हम जाएंगे शहर फजर की नमाज के बाद ज़मीन के लिए ना, तो फॉर्म स्लिप होते हैं यहाँ पर। यहाँ मेरा दूसरा दिन था, बैग्स पहन लिए हम लोग जा रहे हैं शहर, और ये मैं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग नहीं जा रहे हैं। मैंने आज वापस जाना था बस, लेकिन शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि मुझे यहाँ रहना है, अभी मुझे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने हैं शाम के वक्त जब बादल हवा के साथ उड़ जाएँ, बारिश को साथ ले जाएँ, फिर धूप निकल रही हो और सारा मतलब ऐसे हो जाए जैसे अल्लाह ताला ने HDR ऑन कर दिया, सब कुछ इतना क्लियर है। जब बीती चांद भी डूब चला जंजीर परी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो सजनी से करोगे बहाना क्या, इन शादी को अब कुछ करो इस शहर में देखो रहना क्या, इन शादी को अब कुछ करो। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह खैरियत है शहर पे। तेरा इस दुकान का मेन बाजार है, तोपों वाला बाजार, एक ही बाजार है, नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जंग के दौरान तोपें मुसल्लत की गई थी, तब से इसका नाम पड़ा हुआ है। और डेरा इस्माइल खान की सबसे मशहूर चीज़ है सोनल वाला, वो अभी यहाँ पर हम लेंगे
आपको मैं दिखाऊंगा भी कि बनता कैसे है, अगर मतलब इनके दोस्त ने अंदर जाने दिया किचन वाली साइड पर। तो प्रतिशांत साहब के लिए सबसे अच्छा सोन हलवा लेंगे और फिर उसके बाद वापस जाएंगे घर, जाके खाना खा के दोबारा हम जाएंगे दरिया सिंध पर। बाजार मंडी पलवान दो शॉप को असली लेसन थी तोपों वाले बाजार की मंडी पलवान की लस्सी। लस्सी मजा है, मजा रही, बहुत मजा है। बाजार में मैं आया हूँ कोई 8-9 साल बाद जबार को दिखाने के लिए बाज़ार में, वरना हम लोग इस साइड में नहीं आते। और ये इलाका है, यहाँ पे हम सीमेंट की एक दुकान थी तब जब यहाँ के हालात ख़राब थे तो उस दुकान में बैठे थे, तो फिलहाल उधर ही जा रहे हैं। ये है शाम में चूगल्ला मार्केट अंदर चकल्ला से 8-9 साल बाद आए तकरीबन इतो उतो इधर दुकान है ना सीमेंट वाली बस ये लो बड़ी गल है याद है मेरे ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो आई केम टू दिस प्लेस। आज दोबारा से आया हूँ, देखते हैं वो पहचानते हैं कि नहीं मुझे। लोग हलवा लेने जा रहे हैं बाजार के दूसरी तरफ, पीछे मुस्लिम बाजार की तरफ निकले हैं, वहाँ से आके अब पूरा मतलब राउंड चक्कर लेगा फिर से इधर से वापस जाएंगे। चलो सारा किचन का प्रोसेस देख के अभी बाहर निकले हैं, आप जाएंगे घर, गर्मी हो रही है, आप नहाएंगे, गर्मी से बुरा हाल है यहाँ पे, दिन में 4-4 दफ़ा नहाना पड़ता है, गर्मी इतनी है। हम लोग वापस आए हैं ड्रेसिन से, तेरे भाई का फ़ोन आया कि मेरे लिए खेरी चप्पल लेके आना, वो भी यहाँ की मशहूर चीज़ है, वहाँ पे नहीं मिलती, तो फिर से बाजार जा रहे हैं बोले ना। अभी हम घर जा रहे हैं, तो दिस इज आवर लास्ट इवनिंग इन डी आई के।